खरगोन जिले के ग्राम उन में शुक्रवार को देवी श्री महालक्ष्मी जी का 12वां वार्षिक अन्नकूट महोत्सव संपन्न किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। मंदिरों की नगरी के नाम से देश भर में प्रसिद्ध जिले के उन गांव में दीपावली पर आयोजित किए जाने वाला माता महालक्ष्मी का अन्न महोत्सव शुक्रवार को संपन्न किया जाना है। इस दौरान देवी श्री का भव्य श्रृंगार कर अल सुबह 5 बजे से ही माता मंदिर के पट दर्शनों के लिए खोले जाएंगे। क्षेत्र के बिल्कुल साइड में पांडाल लगाया जा रहा है, जिसमें सभी भक्त प्रसादी ग्रहण करेंगे। यहाँ पे एक लंबा चौड़ा पांडाल लगाया गया है और पांडाल लगाने वाले हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की तैयारियाँ चल रही है। कितने क्षेत्रफल में पांडाल लगाया गया है? 200x200 में लगा हुआ है। बढ़िया चल रहा है कार्यक्रम, अच्छा। 200x200 में आप कहाँ से आए हो? खरगोन से, कलस टेंट हाउस। अच्छा, तो ये खरगोन से भैया आए और यहाँ पे टेंट लगाया जा रहा है, और हमारे साथ मौजूद है इस जमीन के मालिक जो हर साल इस जगह को देते हैं, तो वो क्या कहना चाहते हैं? ये महालक्ष्मी मंदिर में हर समय से दीपावली का, गोपाष्टमी का भंडारा होता है और यहाँ पर ये लाख सवा लाख पब्लिक आती है। नहीं तो ये जो जमीन आपकी है और ये जमीन पर आप, मेरा नाम मड़िया पाटीदार है, भंडारा में जमीन इनको देता रहता। इन्होंने ये जमीन यहाँ पे भंडारे के उपयोग के लिए दी है और यहाँ पे अब टेंट लगभग पूर्ण हो चुका है, टेंट लग रहा है और आज शाम को यहाँ पे एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाना है। यहाँ हर साल होने वाले महोत्सव में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु माता दर्शन एवं भंडारा प्रसादी का लाभ लेते हैं। मैं हूँ दिनेश दसौली, हम मौजूद हैं जिले के प्रसिद्ध ऊन के देवी श्री महालक्ष्मी धाम पर, जहाँ कल अन्नकूट महोत्सव आयोजित किया जाना है। ये प्राचीन गुफा, द्वापरकालीन गुफा है, जहाँ देवी श्री महालक्ष्मी पिंडी रूप में विराजित है और कल यहीं पर माता को 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। यहाँ भी तैयारियों का दौर आरंभ हो चुका है, माता का भव्य श्रृंगार किया जा रहा है और माता को श्रृंगार होने के बाद में अल सुबह से ही 4 बजे से ही माता महालक्ष्मी जी के पट खोले जाएंगे। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी जी जुड़े हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारियाँ चल रही। जय माता दी। किस तरह की तैयारियाँ अभी चल रही है? अभी विशाल भंडारे का आयोजन हो रहा है, 12 नवंबर शुक्रवार के रोज में आयोजित हो रहा है। यहाँ पर गोपाष्टमी के पर्व पे 11वां विशाल भंडारा है माता जी के दरबार में, जहाँ पर हजारों दूर से लोग, श्रद्धालु भक्त यहाँ पर प्रसादी पाने के लिए आते हैं और माँ के दर्शन का लाभ लेते हैं। माँ महालक्ष्मी जी का मंदिर अति प्राचीन है, द्वापर युग का है। यहाँ पर माँ भगवती अपने 3 रूप के दर्शन प्रतिरोज देती है, प्रातःकाल बालावस्था, मध्याह्न को युवावस्था एवं सायंकाल को वृद्धावस्था। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं, हमारा खुद का भी अनुभव है कि जो भी इच्छा अपनी रहती है उसे माँ अवश्य ही पूरी करती है। सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी श्री महालक्ष्मी जी के धाम पर कल अन्नकूट महोत्सव आयोजित होगा, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है, माता का श्रृंगार और चोला परिवर्तन को लेकर जानकारी लेते हैं। हाँ, तो माता का चोला परिवर्तन कब किया जाएगा? आज रात को किया जाएगा। अच्छा, माता का चोला परिवर्तन के बाद मंदिर के पट सुबह कितने बजे खुल जाएंगे? सुबह लगभग 5 बजे खुल जाएंगे दर्शन के लिए, और इसके विशाल भंडार के आयोजन में 21 कुंडी यज्ञ का आयोजन भी रखा गया है, जिसकी पूर्णाहुति कल सुबह 10 बजे होगी। उसके बाद में भंडारा की प्रसादी वितरित की जाएगी। इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो ये द्वापरकालीन बताया जाता है, और इस द्वापरकालीन मंदिर में इन पुजारी जी की 3री पीढ़ी चल रही, तो उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। आप इस मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारे पूर्वज पिताजी, हमारे दादाजी यहाँ पर आए थे लगभग सन 1945-46 के आसपास में। उसके बाद में हमारे पिताजी स्वर्गीय रमनलाल जी माता जी की सेवा में यहाँ पर पूर्णतः रहे। इसके बाद में मैं नरेंद्र कुमार पंडित माता जी की सेवा में अपना सेवा। इस आयोजन को लेकर की जाने वाली तैयारियां लगभग पूर्णता की ओर पहुंच चुकी है। मंदिर को फूलों एवं आर्टिफिशियल मालाओं से सजाया गया, वहीं प्रसादी स्थल पर भी तैयारियों के दौर जारी हैं। यहां शुक्रवार की सुबह से ही विभिन्न आयोजन प्रारंभ होंगे। आइए देखते हैं इन्हीं तैयारियों को लेकर हमारे उन संवाददाता दिनेश दसौंधी की एक खास रिपोर्ट। उनमें शुक्रवार को होने वाले अन्नकूट महोत्सव को लेकर हवन, एक विशेष तरह का हवन किया जा रहा है, ये भी प्रारंभ हो चुका है। हमारे साथ हवन करवाने वाले धर्माचार्य पंडित जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह का हवन किया जा रहा है। ये किस तरह का हवन हो रहा है? माता महालक्ष्मी मंदिर पर
12 वर्ष से लगातार हवन हो रहा है। यहाँ बहुत छोटा स्वरूप था, आज 21 कुंड संपन्न किए जा रहे हैं और माता जी के आशीर्वाद से प्रतिवर्ष ये बढ़ता जा रहा है। आने वाले वर्ष में हमारे महालक्ष्मी मंदिर ट्रस्ट, यहाँ की समिति और मेरे मित्र मंडली जो मेरे साथ विद्वज्जन है, सबका सहयोग परिपूर्ण है। तो ये हवन आज से प्रारंभ हुआ और उसकी पूर्णाहुति कब होगी? आज सुबह 7 बजे से आरंभ हुआ, सप्तमी को पूरा दिन रहेगा, अष्टमी को 9:30 और 10 बजे तक पूर्णाहुति महाआरती हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या आयोजन होगा? इसमें कुछ गौ पूजन वगैरह भी होगा? आरती के पश्चात गौ पूजन, गोपी पूजन, तुलसी पूजन, गंगा पूजन, माता महालक्ष्मी का पूजन किया जाएगा, भंडारा शुरू किया जाएगा, 56 गौ भी। अच्छा, जैसे इस तरह के हवन होते हैं, माना जाता है, हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि हवन से बहुत मुक्ति, शुद्धि, सभी तरह के कार्य होते हैं, तो इस हवन की क्या विशेषता है और इस हवन करने का क्या महत्व है? ये हवन की विशेषता ये है कि केवल यहाँ यजमान अपने लिए नहीं हवन करता, पूरे विश्व के लिए हवन करता है और पूरे समाज, पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए हवन होता है और लगातार ऐसा हवन करने की इच्छा सबकी है और आगे ऐसा हवन होता रहे। फिलहाल देश और विदेश, पूरे विश्व के अंदर कोरोना का काल चल रहा है और कोरोना की महामारी के लिए क्या इस हवन के अंदर आहुतियाँ डाली जाएगी? बिल्कुल बराबर, महामारी के लिए भी हवन होगा, महालक्ष्मी के लिए भी हवन होगा, श्री सुक्त पुरुषोक्त से हवन संपन्न किया जाएगा और ये आयोजन ऐसा होता रहे, आगे भी होता रहेगा। क्या नाम लिखता है? पंडित महेंद्र भटोरे खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।